दौड़ते समय श्वास फूलने के बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है दौड़ शुरू करने से पहले वार्म अप न करना। इसके अलावा जो कारण है वो है श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के बीच सही तालमेल का अभाव और सांसों पर कंट्रोल का न होना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू विल बी फाइन। माय टुडे वीडियो टॉपिक इज अबाउट ब्रीथिंग टेक्निक ड्यूरिंग रनिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में। एक स्वस्थ व्यक्ति एक सेकंड में श्वास लेता है और छोड़ भी देता है। एक सेकंड में श्वास लेना और छोड़ना एक सामान्य व्यक्ति की दैनिक श्वसन प्रक्रिया है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो धावक है, लंबी दूरी की रेस दौड़ता है, उसके लिए जरूरी है कि वो एक सेकंड से भी कम समय में अपनी श्वसन प्रक्रिया पूरी करे। तो इसके लिए जरूरी है सांस लेने और छोड़ने के अभ्यास की। पर्याप्त अभ्यास के अभाव में ही दौड़ते समय अक्सर सांसें उखड़ जाती है। तो लंबी दूरी तक तेज दौड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीखें। इसके लिए आप छोटी छोटी दौड़ तेज गति से दौड़े और कई बार दौड़े, बार बार दौड़े। इसके अलावा प्राणायाम भी अवश्य करें। प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करने से सांस नहीं फूलती। प्राणायाम करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा ली गई सांसें गहरी और लंबी हो। गहरी और लंबी सांसें लेने से फेफड़े मजबूत बनते हैं। श्वास छोड़ते समय पूरे फेफड़े खाली करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फेफड़ों से बाहर निकल जाए। इससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, जो फेफड़ों के लिए अच्छी स्थिति होती है। इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं और फिर दौड़ते समय श्वास फूलने की समस्या नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, श्वास फूलने से रोकने के लिए प्रतिदिन अपनी सांसों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करें। यह लंबी और तेज दौड़ के लिए बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं दौड़ शुरू करने से पहले वार्म अप की। वार्म अप वो प्रक्रिया है जो हमारी बॉडी को किसी भी फिजिकल वर्क के लिए तैयार करता है। और जब बात दौड़ की हो तो फिर वार्म अप करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दौड़ शुरू करने से पहले आप तीन चरणों में वार्म अप कर सकते हैं। पहले आप सामान्य गति से चले या टहले। इससे आपके शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू होगा और आलस दूर होगा। फिर दूसरे चरण में अपनी चलने की स्पीड को फास्ट कर दे। जितना तेजी से आप चल सकते हैं चले। इससे आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, यानी हिट हो जाएगी और दौड़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तीसरे चरण में आप मध्यम गति की छोटी दौड़ दौड़े और इस दौरान अपनी सांसों पर ध्यान देवे। लंबी और गहरी सांसें अंदर लेवे और छोड़े। इस तरह के वार्म अप से दौड़ते समय आपकी सांसें उखड़ेगी नहीं, साथ ही साथ आपकी दौड़ तेज और सफल भी होगी। तो फ्रेंड्स, दौड़ते समय सांस न उखड़े, इसके लिए पर्याप्त अभ्यास बेहद जरूरी है। अभ्यास करते रहिए। नाउ ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।